Hi guys and welcome back to another video. My name is Abhishek and this is NA Tattoo Studio. So I'm a professional tattoo artist and my tattoo studio NA Tattoo Studio New Delhi ke andar. और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है. बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि मैग्नम नीडल को कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज मे बी लोगों को प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता थी और वो जानना चाहते थे कि फिलिंग कैसे करते हैं और मैग्नम को कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी मैग्नम को किस वे में यूज़ करना चाहिए. लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक ऑनलाइन टैटू कोर्स है जो कि टैटू आर्टिस्ट बूट कैंप ऑनलाइन के नाम से है, जिसकी शूटिंग और एडिटिंग मैंने साइड बाय साइड स्टार्ट करी है. सो इट इज़ अ प्रीटी लॉन्ग कोर्स जो कि ऑलमोस्ट 50 वीडियोस का रहेगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कवर करेगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिलीव मी गाइस, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि अभी अभी मैंने एक वीडियो शूट करी थी जिसके अंदर मैं माइक को ऑन करना भूल गया था और मेरे ऑलमोस्ट मेरा एक घंटा उसमें वेस्ट हो गया. सो उसको मैं दोबारा शूट करूंगा एंड इट इज़ अ लेंथी प्रोसेस बट आई एम रियली एंजॉइंग इट. सम डेज विल बी फ्रस्ट्रेटिंग, सम डेज वुड बी रियली एंजॉयबल. जैसे ही धीरे धीरे करके प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा आई विल लेट यू गाइज नो इन दिस काइंड ऑफ वीडियोज. सो आज की वीडियो के लिए आई हैव टू नीडल्स विद मी. सो आई हैव अ 17 मैग्नम सॉफ्ट एज दैट इज़ अ कर्व नीडल एंड आई हैव अ 11 मैग्नम दैट इज़ अ नॉर्मल M1. ये कर्व नीडल नहीं है एंड मैंने एक टेबल के ऊपर ही सेटअप किया हुआ है. कुछ ग्लव्स हैं, कुछ इंकअप्स हैं, एंडी मशीन. बाय द वे मशीन प्रॉपर कवर्ड है, इसके अंदर मैंने क्लीन रैप करके अपर साइड को कवर किया हुआ है और नीचे मैंने मैजिक टेप लगाई हुई है. आई हैव माय डायनामिक ब्लैक एंड आई हैव सम स्टेराइल वाटर. सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ट्रिपल ब्लैक का यूज़ करते हैं शेडिंग करने के लिए. अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ट्रिपल ब्लैक को नहीं यूज़ करना चाहिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल क्या ऑब्जर्वेशन रहा है और मुझे क्या लगता है. सो टेक्निकली अगर बताऊँ तो जो डायनामिक ब्लैक है वो 100% ब्लैक है, लेकिन जो ट्रिपल ब्लैक है उसमें थ्राइस द अमाउंट ऑफ पिगमेंट है. मतलब अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो जो डायनामिक ब्लैक है उसमें एक्स अमाउंट ऑफ ब्लैक का पिगमेंट है, तो ट्रिपल ब्लैक के अंदर वो 3 गुना ज़्यादा है. इट इज़ थ्राइस द अमाउंट ऑफ पिगमेंट. नाउ अगर आप डायनामिक ब्लैक से एक 50% ग्रे वॉश बना रहे हो तो आप 50% इंक लोगे और 50% स्टेराइल वाटर लोगे. लेकिन अगर आप ट्रिपल ब्लैक में 50% टोन ऐसे ही बनाओगे कि आप 50% ट्रिपल ब्लैक ले रहे हो और 50% ब्लैक ले रहे हो, देन माइंडेड गाइस, यू आर नॉट एक्चुअली मेकिंग अ 50% ग्रे वॉश, बिकॉज जो आप इंक ले रहे हो उसमें ट्रिपल द अमाउंट ऑफ ब्लैक है. सो अल्टीमेटली आपको लगेगा कि आप 50% ब्लैक बना रहे हो बट वो 50% ग्रे वॉश नहीं होगा. सो आई प्रेफर पर्सनली कि मैं डायनेमिक ब्लैक का यूज़ करूँ बिकॉज वो कंसिस्टेंसी में बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं ट्रिपल ब्लैक का यूज़ करता हूँ तो जो स्किन होती है वो थोड़ी सी उठ जाती है. आप कभी करके देखना कि ट्रिपल ब्लैक से अगर आप लाइनिंग करोगे तो जो स्किन होगी वो थोड़ी सी बम्पी हो जाएगी, लाइन्स थोड़ी सी बम्पी हो जाएंगी. एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा डार्क है. सो अगर आपको ट्रिपल ब्लैक को यूज़ करना है तो आप ट्रिपल ब्लैक को यूज़ कर सकते हो फिलिंग के लिए या फिर लाइनिंग के लिए. लेकिन अगर आपको शेडिंग करनी है, आपको सॉफ्ट शेडिंग करनी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायनामिक नॉर्मल ब्लैक का यूज़ करो. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं शेडिंग कैसे करते हैं मैग्नम से. सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले मैं एक सेटअप करूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इंक्स का यूज़ करता हूँ. सो मैं ग्रे वॉश बनाऊंगा 100%, 70, 50 एंड देन 30 या कुछ भी एक परसेंटेज का. सो हियर आई हैव माय 4 इंक कप्स. अब इसके अंदर मैं ब्लैक करूंगा 100%, देन 70, 40 एंड देन 10 या 20. सो बेसिकली ड्रॉप सिस्टम रखूंगा और मैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर आपको परसेंटेज डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करना चाहता हूँ. सो बेसिकली माई टोन्स वुड बी लाइक ब्लैक, डार्क, मीडियम, लाइट. आप कोई भी टैटू बनाते हो, सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 टोन्स होनी चाहिए. सो ये जो परसेंटेज सिस्टम होता है ये एक मिथ है. अल्टीमेटली अगर आपको पता है कि कौन से टोन को कैसे यूज़ करना है, आपको नीडल को कितनी डीप लेके जाना है और किस तरीके से आप एक टोन वैल्यू को अचीव कर सकते हो ब्लैक एंड ग्रे करके. सो अगर आपको ये पता है कि आपकी हैंड स्पीड क्या है, मशीन स्पीड क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है, आपकी इंक कौन सी आप यूज़ कर रहे हो और आपको हैंड का प्रॉपर प्रेशर और डेप्थ पता है, सो आई डोंट थिंक सो कि आपको टोन परसेंटेज पे इतना ध्यान देना चाहिए. आपको सिर्फ एक ब्लैक, डार्क, मीडियम, लाइट की ज़रूरत है एंड देन इफ़ यू नो ऑल दीज पॉइंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी टोन्स यूज करने में. ओके, सो आज की वीडियो के लिए हम लोग इस प्रैक्टिस स्किन का यूज करेंगे. सो एज ऑलवेज सबसे पहले मैं ले रहा हूं डायनामिक ब्लैक. सो जो पहला इंकअप होगा उसको मैं 100% फिल करता हूं. जो सेकंड इंकअप है उसको 70%, थर्ड वाले को 40 to 50% एंड देन जो लास्ट वाला है उसमें मैं भी 2 या 3 ड्रॉप. बिकॉज मैं कोई एक परसेंटेज सिस्टम से नहीं जा रहा हूँ, मैं एक आइडिया से कर रहा हूँ कि मेरा एक ब्लैक रहना चाहिए, एक डार्क, मीडियम, लाइट रहना चाहिए.
So if you know how deep to go and if you know how to use the ink as per the hand pressure, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आप परसेंटेज यूज़ करो ना करो, आप ड्रॉप सिस्टम यूज़ करो, बेसिकली आपको सिर्फ टोन्स का ध्यान रखना है. सो दिस इज स्टेराइल वाटर. डोंट वरी, आज मैं थोड़ा रफ तरीके से काम कर रहा हूँ. सो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है. एक जो नॉर्मल मैग्नम होती है उसमें कर्व्ड एजेस नहीं होते हैं. सो बेसिकली जो मैग्नम आप देख रहे हो उसमें सारे के सारे जो पिन्स हैं वो ऐसे स्ट्रेट होते हैं. सो जितना डीप आपका सेंटर पॉइंट ऑफ द मैग्नम जाएगा उतना ही डीप आपका एज भी जाएगा. इट इज़ वेरी गुड फॉर फिलिंग बट इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर सॉफ्ट शेडिंग. आई नो लोग कर सकते हैं, इट इज़ लाइक इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल कि आप एक M1 से भी सॉफ्ट शेडिंग कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप एक कर्व मैग्नम से भी फिलिंग कर सकते हो. बट टू मेक द प्रोसेस ईजी, कर्व मैग्नम आई थी मार्केट के अंदर एंड कर्व मैग्नम के अंदर जो एजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं. सो द सेंटर पॉइंट ऑफ द नीडल गोज मच मोर इन द स्किन एज कम्पेयर टू द एजेस. सो दैट इज वाई इसको सॉफ्ट एज मैग्नम भी बोला जाता है, बिकॉज जो नीडल होती है उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं स्किन में. सिर्फ जो सेंटर पॉइंट होता है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है. सो लेट मी शो यू. सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस बट I'll put an image over here so you can understand. So, जो curve needle होती है उसके अंदर जो edges होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा soft होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं. So, in this video, I'll show you तीन तरीके से shading. One is a whip shading. A whip shading is from A point to B point, you go dark to light. Then I'll show you what is a pendulum shading. Pendulum shading के अंदर होता है कि आप मान लो एक runway है, आपका एरोप्लेन आता है, रनवे को टच करता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है. सो बेसिकली आप इस मूवमेंट का, पेंडुलम मूवमेंट का यूज करते हो. और जो तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा उसको बोलते हैं फिलिंग. सो आई टेल यू हाउ टू डू सॉलिड फिलिंग इन अ टैटू. सो ये तीन चीजें आज कवर करते हैं फटाफट से. इससे पहले जूम कर लेते हैं. सो आई टेकन माई मशीन, इट हैज 11 मैग्नम इनसाइड और इंक के लिए हम यहाँ पे लेते हैं ब्लैक. ओके, I'm using normal A&D ointment. And then my aim is not to show you how I use the tones. Rather, my aim is कि कैसे आप अपने hand pressure को control करके आप एक soft shading achieve कर सकते हो. So, let's start it. So, if you want to do a proper filling, आपको छोटे-छोटे circles बनाने होते हैं. And then when you have to shade, you have to pick up your machine. So, I'll just show you how I do it. Small circles and then so this process is called as a whip shading. Let me show you again by doing it here. So I've taken again my black, some ointment, and then I'll fill inside. And then I'll just turn my machine and then do it sideways.
and then you can even take a light tone and then extend it. So as you can see, जो whip shading होती है वो directional shading होती है, मतलब point A से point B तक, point A से point B तक आप whip करते हो खाली, आप magnum लेते हो और आप whip करते हो dark to light. And then there's another complex shading, that is a pendulum shading, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया था aeroplane की तरह आपको करना है. So let's start with it. And then इस चीज़ को करने के लिए it is always better you take a curve magnum, because अगेन जैसे मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल मैग्नम होती है उसके जो एजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो कर्व मैग्नम होती है उसके जो एजेस होते हैं वो थोड़े अंदर होते हैं. फॉर द सेम रीज़न वो थोड़ा सॉफ्ट एजेस देते हैं. सो लेट्स टर्न टू अ कर्व मैग्नम. सो इट इज़ लाइक यू हैव टू कम फ्रॉम द टॉप, टच द स्किन एंड देन गो बैक अगेन, एंड देन व्हेन यू डू इट अगेन एंड अगेन लाइक दिस, इट इज़ अ पेंडुलम मूवमेंट. सो दिस वे यू विल अचीव द राइट रिजल्ट ऑफ सॉफ्ट शेडिंग. सो लेट मी शो यू हाउ आई डू इट. So as you can see here, the center part that I did is more dark as compared to the edges. The edges are more soft. Now let me do a longer stroke so you can understand more better. By the way, जब हम एक पोर्ट्रेट टैटू करते हैं तो हमें सॉफ्ट शेडिंग के साथ साथ लेयरिंग की भी ज़रूरत होती है. लेयरिंग के अंदर हम लोग पहले एक लाइट टोन को पेंडुलम शेडिंग से करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक लेयर के ऊपर एक और टोन को डालते हैं और उसके ऊपर एक और टोन को डालते हैं, जब तक हमें एक डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल जाता. सो लेट मी शो यू वॉट आई मीन. So I'll just do one tone of a medium grey and then show you उसके ऊपर layering कैसे करनी है. Now here is my one tone of 50% black. अगर मैं इसके ऊपर एक और बार ऐसे ही करूँगा बिना स्किन को डैमेज किए, दैट मीन्स आई हैव डन लेयरिंग, और लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सॉफ्ट शेडिंग एंड पोर्ट्रेट टैटूज. आपको अगर कलर ब्लेंडिंग भी करनी है तो भी आपको लेयरिंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स डू इट ऑन टॉप ऑफ इट अगेन सो यू गेट टू सी हाउ इट इज़ डन. So I'm done with my second layer and you see first layer के मुकाबले ये वाला ज़्यादा dark आया है. अब इसके ऊपर मैं तीसरी बार एक और बार करूँगा बिना skin को damage किए, then I'm ultimately achieving the desired result. मतलब जो मेरे को result चाहिए वहाँ तक मैं इसके ऊपर बार बार layer कर सकता हूँ. And layering is always done light to dark. तो लेयरिंग हमेशा आपको मिड टोन या लाइट टोन से पहले करनी है, और उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं अभी मेरे को और डार्क करना है तो आप उसके ऊपर एक और बार लेयर करोगे, मे बी सेम टोन की या फिर और ज़्यादा डार्क टोन की. सो मे बी अगर मेरे को लग रहा है मेरे को इससे ज़्यादा डार्क करना है तो मैं डार्क टोन लेके और ज़्यादा डार्क कर सकता हूँ. Now you see the difference between a whip shading and a pendulum shading is that whip के अंदर आप dark to light जाते हो, एक directional shading होती है, लेकिन जो pendulum shading होती है वो soft shading होती है, जिसके अंदर जो आपके edges होते हैं बहुत soft और light रहते हैं, लेकिन जो आपका center part होता है वो fully penetrated होता है ink से and it is more dark. Now coming to the last point of filling, so filling करने के लिए it is always better to use a M1, a normal magnum. मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि मैं कर्व मैग्नम का यूज़ करूँ फिलिंग करने के लिए, एंड फिलिंग करने के लिए आपको छोटे छोटे राउंड्स और ओवल बनाने होते हैं. सो फॉर फिलिंग आई एम टेकिंग 100% ब्लैक एंड देन मैं छोटे छोटे राउंड्स बनाऊँगा.
सो यू सी, अगर आप छोटे छोटे राउंड्स बनाओगे और स्लो मूवमेंट रखोगे और मशीन को एक या नीडल को एक एंगल पे रखोगे, तो आप 100% ब्लैक सैचुरेशन अचीव कर सकते हो. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट आप स्लो काम करो. फिलिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टैटू के अंदर. सो इफ़ यू वॉन्ट टू फिल प्रॉपरली, आपको बहुत स्लो काम करना है, एक एंगल पे काम करना है और कंसिस्टेंट रहना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे नीडल को ज़्यादा डीप डाल रहे हो और कहीं पे नीडल को कम डीप डाल रहे हो. एंड एट द सेम टाइम आपको स्मॉल राउंड या फिर ओवल मूवमेंट्स करने हैं. सो दिस वॉज जस्ट अ वेरी बेसिक वे हाउ आई डू शेडिंग. सो गाइस, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वन, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल थी ना ज़्यादा थियोरेटिकल थी, बट क्योंकि लोगों ने बोला था शेडिंग कैसे करते हैं, सो दिस वॉज द बेस्ट वे प्रैक्टिस स्किन पे दिखाने के लिए. लेकिन इफ़ यू वॉन्ट, आई कैन डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन अ ह्यूमन कैनवस फॉर यू. हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड कमेंट्स में आप पूछ सकते हो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन हैं. एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.